दोस्तों, आपने टीवी या कॉमिक्स कैरेक्टर ऐसे देखे होंगे जो पल भर में ही पूरे यूनिवर्स को नष्ट कर देने की ताकत रखते हैं। आपने ऐसा कार्टून कैरेक्टर ड्रैगन बॉल्स के ग्रैंड जीनो के कैरेक्टर को देखा होगा जो अपनी एनर्जी से पूरे ब्रह्मांड को भाप तक बना देता है, या फिर कॉमिक कैरेक्टर द प्रिंसेस को पढ़ा होगा। ये सभी कैरेक्टर टाइप 6 सिविलाइजेशन और टाइप 7 सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि हम इंसानों में इतनी ताकत या एनर्जी क्यों नहीं है? क्या हम भी इतनी ताकत हासिल कर सकते हैं? क्या हम भी इन सुपर हीरोज की तरह यूनिवर्स में भ्रमण कर सकते हैं और जिन सिविलाइजेशन की बात होती है उन्हें हासिल कर सकेंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर 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 देखिएगा। दोस्तों, साल 1964 में सोवियत के खगोल शास्त्री निकोलाई कार्देशेव ने एक एडवांस सिविलाइजेशन को बताने की कोशिश की थी। उन्होंने एक मेजरमेंट स्कीम की बात कही थी और तीन सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब यह बताया गया था कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी को कंट्रोल कर रही है। इसमें उन्होंने हम इंसानों को जीरो सिविलाइजेशन में रखा था और टाइप 3 तक पहुंचने के लिए हम इंसानों को 10,000 साल लग जाएंगे। इसके बाद इसे कार्ल सागन ने संशोधित किया। उन्होंने एडवांस सिविलाइजेशन को टाइप 7 होने की बात कही। इनके अनुसार कार्देशेव टाइप 1 द्वारा अपने ग्रह पर मौजूद सभी प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि टाइप 2 सभ्यताओं द्वारा ऊर्जा की मात्रा का 10 गुना प्रयोग किया जा सकता है। वहीं टाइप 3 प्रजाति पूरे गैलेक्सी की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को खर्च कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने मानव प्रजाति को टाइप 1 से भी बहुत नीचे बताया है। उनका कहना है कि इसके बावजूद हर साल ऊर्जा के खर्च में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी मनुष्य को इन सिविलाइजेशन को हासिल करने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। दरअसल कार्ल सागन ने जब वर्जर 1 में हमारा गोल्ड रिकॉर्ड भेजा तो उन्होंने हमारे एनर्जी को कंट्रोल करने की क्षमता को नापा तो इसमें हमारी सिविलाइजेशन को उन्होंने 0.7 की रेटिंग दी थी। यानी कि हम अभी तक सिविलाइजेशन भी नहीं बने हैं और फिलहाल हमारी रेटिंग की बात की जाए तो ये 0.72 तक ही है। अगर हमें 0.73 तक बढ़ना है, इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी और ये एनर्जी हासिल करना भी कोई हल्का काम नहीं है। इसे हासिल करने के लिए हमें एक न्यूक्लियर प्लांट से बनने वाली पावर जितनी एनर्जी चाहिए होगी, और अगर हम अपने टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो आने वाले साल 2371 में पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज पर ध्यान देना होगा कि हम तब तक जिंदा रह लें, क्योंकि जिस तरह से इंसानों ने धरती की हालत कर दी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उससे लगने लगा ही है कि आने वाले कुछ सालों में हमें दूसरे ग्रह पर रहने के लिए जगह तलाशनी होगी और इसके लिए हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमारी एनर्जी सोर्स को भी एडवांस करना होगा, जैसे कि आज के टाइम में पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को छोड़कर न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक को अपनाना होगा। तब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी ही हमें टाइप 1 तक पहुंचा सकती है। ये एनर्जी इतनी हो जो किसी तारे को जिंदा रखती है, और एक बार में इसमें हमने महारत हासिल कर ली तो हम एक तरह से सूरज को निचोड़ने के लिए निकल सकते हैं। ये सब होगा डायसॉन स्फीयर को यूज करके। दोस्तों, ये एक तरह का काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है जिसे लेकर कहा जाता है कि यह किसी भी तारे को चारों ओर से घेर कर उसकी ऊर्जा को खींचने लगता है। स्टडी के रिसर्चर्स का कहना है कि इससे विकसित टाइप 2 या टाइप 3 सभ्यता के बारे में पता चलता है और हम लाइट स्पीड से ट्रेवल करना शुरू कर चुके होंगे और तब हम ऑटोमेटिकली टाइप 2 में पहुंच जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइप 2 या टाइप 3 सभ्यता को सूर्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि टाइप 2 सभ्यता ऊर्जा के स्रोत के लिए एक्रीशन डिस्क, स्टेलर कोरोना और रिलेटिविस्टिक जेट्स पर निर्भर होंगे, लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद हम ये समझ चुके होंगे कि शायद इतनी एनर्जी भी आगे कम पड़ सकती है, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर हैं, जहां तक पहुंचने के लिए शायद लाइट स्पीड भी कम पड़ेगी। यहां पहुंचने के लिए हमारा शरीर लाइट स्पीड के साथ ही नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में हम किसी साइबॉग की तरह अपने शरीर में अपग्रेड करके टाइप 3 सिविलाइजेशन में अपग्रेड कर जाएंगे। इस सभ्यता के लोग तकनीकी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होंगे। वो अपने सोलर सिस्टम के साथ साथ अन्य सौर मंडलों के ग्रहों और सूरजों पर भी कंट्रोल कर लेंगे। कुछ अनुमानों के अनुसार ये सभ्यता टाइप 2 सभ्यता से 1,000 करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। उनकी तकनीक क्षमता हमारी वर्तमान समझ और कल्पना के भी परे होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 1,00,000 सालों में शायद हम ये मुकाम भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड में आए दिन सुपरनोविक एक्सप्लोजर होते रहते हैं।
इनसे निकलने वाली एनर्जी हमें अपने खुद के वर्म होल बनाने की शक्ति दे सकती है, यानी कि हम अनगिनत गैलेक्सी में टाइप जीरो के जीवों को क्रिएट कर सकेंगे और तब टाइप 5 सिविलाइजेशन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वो सिविलाइजेशन जिसका कंट्रोल पूरी 3D रियलिटी पर होगा, इंक्लूडिंग द मल्टीवर्स। दोस्तों, यहाँ 3D यूनिवर्स की पूरी समझ हमारे लिए टाइप 6 के दरवाजे भी खोल देगी, जहां हम एक साथ पूरे 3D मल्टी यूनिवर्स को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि किसी नए यूनिवर्स को बनाना हो या किसी को खत्म करना हो, ये सभी काम हम पल भर में कर देंगे, जैसा हम हमारे कॉमिक्स कैरेक्टर को करता देखते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि टाइप 6 को हासिल करने के लिए आपको अपना शरीर छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा, यानी कि हम अजर अमर हो जाएंगे और सिर्फ आत्मा के तौर पर मौजूद रहेंगे। यहाँ से आगे हमारे लिए कोई लक्ष्य नहीं रहेगा और सब यहीं रुक जाएगा। वहीं अगर टाइप 7 के बारे में आप सोच रहे हैं तो हम बता दें कि यहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये सब टाइप 7 में ही समाया हुआ है, यानी कि हम सब इसका हिस्सा हैं। अगर हम उन्हें भगवान कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम टाइप 4 में होंगे तो हम खुद टाइप 0 के जीवों को बनाने के काबिल होंगे, और इन जीरो सिविलाइजेशन के लोगों के लिए टाइप 4 ही भगवान हैं।